हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का सीट मैट्रिक्स आ गया है, सभी बच्चे सीट मैट्रिक्स डाउनलोड कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन जिनका डाउनलोड नहीं हो पाया, उस हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बता पा रहे हैं आप लोग को बीएससी नर्सिंग के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग पर कि पूरे बिहार में कितना कैटेगरीज वाइज किस कॉलेज में कितना सीट है और पूरे बिहार में बीएससी नर्सिंग का टोटल सीट कितना है, ठीक है। और देखिए, बीएससी नर्सिंग जो होता है पीसीबी वालों ग्रुप के लिए होती है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों के लिए, मैथ वालों के लिए बीएससी नर्सिंग नहीं होता है, ना ही एग्रीकल्चर वालों के लिए, सिर्फ बायोलॉजी वालों के लिए, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एनएमसीएच पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना की बात करते हैं। देखिए, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें जो टोटल सीट है बीएससी नर्सिंग का 60 सीट है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझिएगा कि हमारे बिहार में बीसीसी के थ्रू जो है टोटल 5 कॉलेज आते हैं, बीएमआईएमएस पावापुरी, जिसको बीआईएमएस भी बोलते हैं, चलिए फिर आपका हो गया जेएलएनएमसीएच भागलपुर, डीएमसीएच दरभंगा और एएनएमएमसीएच गया, यानी अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो ये 5 कॉलेज है और सभी कॉलेज में जो है बीएससी नर्सिंग का टोटल 60 सीट है, यानी पूरे बिहार में अगर कहें तो पूरे बिहार में बीएससी नर्सिंग का टोटल 300 सीट है पूरे बिहार में। अब ये 300 सीट में हम बात कर ले कि देखो, पूरे अगर सीट देखा जाए 300 सीट, तो 300 सीट में 120 सीट रखा गया यूआर कैटेगरी वालों के लिए, 30 सीट रखा गया है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जो स्टूडेंट एससी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए पूरे बिहार में 48 सीट है, और जो स्टूडेंट एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए बीएससी नर्सिंग का पूरे बिहार में 3 ही सीट है, और ईबीसी में आते हैं उनके लिए 54 सीट है, और जो बीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 36 सीट है, और जो आरसीजी रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स में आते हैं उनके लिए 9 सीट है पूरे बिहार में बीएससी नर्सिंग का। देखिए, अगर हम एनएमसीएच पटना की बात करें तो एनएमसीएच पटना में यूआर कैटेगरी वालों के लिए 24 सीट है, सिर्फ पटना में 24 सीट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6 सीट है, एससी वालों के लिए 10, एसटी वालों के लिए सीट नहीं दिया गया है, और आपका ईबीसी वाले के लिए 10 सीट है, बीसी वालों के लिए 8 सीट है और आरसीजी वालों के लिए 2 सीट है, यानी बीसी वही बाबू ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। अब अगर बात कर ले बीएमआईएमएस पावापुरी के बारे में, तो पावापुरी में जो सीट है आपका वो है यूआर वालों के लिए 24 सीट, यानी सभी 5 कॉलेज में यूआर कैटेगरी वालों के लिए 24 सीट दिया गया है। लेकिन अगर हम बात कर ले पावापुरी में तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और देखिए एक चीज कॉमन है समझिएगा कि एनएमसीएच, बीएमआईएमएस, जेएलएनएमसीएच, डीएमसीएच, एएनएमएमसीएच, ये 5 जो कॉलेज है इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और यूआर कैटेगरी के लिए सबके 24 सीट है, आईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट है। लेकिन अगर बीआईएमएस पावापुरी की बात कर ले तो यहाँ पे एससी वालों के लिए 9 सीट है, एसटी वालों के लिए 1 सीट है, ईबीसी वालों के लिए 11 सीट है, बीसी वालों के लिए 7 सीट है, आरसीजी वालों के लिए 2 सीट है। अगर हम बात कर ले जेएलएनएमसीएच भागलपुर का, तो यहाँ पे एससी कैटेगरी वालों के लिए 10 सीट, एसटी वालों के लिए 1 सीट, ईबीसी वालों के लिए 11 सीट, बीसी वालों के लिए 7 सीट और आरसीजी वालों के लिए 1 सीट है, ठीक है। अगर हम डीएमसीएच भागलपुर की बात करें तो यहाँ पे एससी वालों के लिए 9 सीट है, ईएसटी वालों के लिए 1 सीट है, ईबीसी वालों के लिए 11 सीट है, बीसी वालों के लिए 7 और रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स वालों के लिए 2 सीट है। अगर हम अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया की बात करें तो यहाँ पे जो एससी वालों के लिए 10 सीट है और एसटी वालों के लिए 0, एसटी वालों के यहाँ पे कोई सीट नहीं है, ठीक है। ईबीसी वालों के लिए 11 सीट है, बीसी वालों के लिए 7 और आरसीजी वालों के लिए 2 सीट है। तो सुनो, इतना जो सीट है टोटल, इस सीट में ही आपका डीक्यू अलग से नहीं दिया गया है, इसी सीट में कम बेसी करके टोटल जो सीट है वो 15 सीट रखा गया है, यानी प्रत्येक कॉलेज में जो है 3-3 सीट जो है डीक्यू, डीक्यू मतलब डिसेबल कोटा, जो विकलांग है उनको एड कर दिया जाएगा इसी 60 सीट में ही, ठीक है, आगे पीछे घटा बढ़ा के, समझ में आई बात, ऐसा है। तो पूरे बिहार में बीएससी नर्सिंग का कितना सीट हो गया, 300 सीट हो गया। अब इसी पर आप रैंक के हिसाब से देखो तो कितना रैंक पर आएगा, अगर आपका अगर 5000 रैंक जाता था तो कम चांस है, 400-500 रैंक है तो चांस बन जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।